मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना पहला वीडियो लिख के आ रही हूँ जिसमें टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मैंने 5 पॉइंट्स में बांटा है, एकदम शॉर्ट वे में है और सबसे छोटा और इजी टॉपिक है। इसको 5 पॉइंट्स में बांटे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसको डेफिनेशन। कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का यूज़ क्यों करना पड़ा हमें, कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। आइडियाज का एक्सचेंज, फीलिंग का एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग का एक्सचेंज। दूसरे शब्द में हम कम्युनिकेशन का शॉर्ट टर्म में बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर हम कम्युनिकेशन को और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो उसके अंदर हम ये बोलेंगे कि जिस इंफॉर्मेशन को हम सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं या किसी पर्सन तक पहुँचाना चाहते हैं, वो अगर उसी वे में उसे अंडरस्टैंड करता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव या पर्पज। कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि ये क्या करता है, इंक्रीज करता है नॉलेज को, नॉलेज को बढ़ाता है, चेंज एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज करता है, बिहेवियर में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज क्लास लेना स्टार्ट किया तो मैंने मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ चेंज दिखेगा आपको, मेरे पढ़ाने के तरीके में, और मेरा नॉलेज भी इंक्रीज होगा इस चीज़ से। क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पहले खुद पढ़ूंगी, खुद के नॉलेज को इंक्रीज करूँगी, तभी तो मैं आपको शेयर कर पाऊँगी उस चीज़ को। तो इंक्रीज नॉलेज। तो तीसरा आएगा इसका पॉइंट, वो है कॉम्पोनेंट्स। कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट है 5 टाइप्स। 5 टाइप के अंदर आ जाएगा, सबसे पहला आएगा सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंडर। सेंडर जो मैसेज को भेजता है, मैसेज एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो हम सामने वाले को या रिसीवर को भेज रहे हैं। चैनल, जिस सोर्स के माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। चौथा आएगा रिसीवर। रिसीवर है जो कि मैसेज को प्राप्त करता है, और फीडबैक जो उसको अंडरस्टैंड करके वापस रिस्पॉन्ड करता है, वो होता है फीडबैक। फीडबैक होता है वो सेंडर को दिया जाता है रिसीवर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बर्थडे है तो मैं हो गई सेंडर, मैंने मैसेज सेंड किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी आज मेरा बर्थडे है, ये हो गई इन्फॉर्मेशन। मैं हो गई सेंडर और आज मेरा बर्थडे है, ये हो गई इन्फॉर्मेशन। चैनल, किस चैनल के माध्यम से मैं दे रही हूँ। मान लो मैं व्हाट्सअप कर रही हूँ, मैं ईमेल कर रही हूँ, या मैं पिक्स के माध्यम से, या मैं यूट्यूब के माध्यम से, या मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो वो हो गया सोर्स। रिसीवर, मैंने सामने वाले को या किसी पर्सन को मैसेज भेजा, उसने उस मैसेज को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद में उसका रेस्पॉन्ड किया, वो हो गया फीडबैक। जो सेंडर होता है वो मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, और जो इनकोडिंग होती है वो रिसीवर पे डिपेंड करती है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर को कौन सी लैंग्वेज आती है, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मान लो रिसीवर को इंग्लिश आती है और आपने हिंदी टाइप कर दिया, उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है या क्या इन्फॉर्मेशन उसे देना चाहते हो, तो वापस वो उसे डीकोड करके फीडबैक नहीं दे पाएगा, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मान लो कि आपने हिंदी टाइप किया है या आपने तमिल में टाइप किया है, और सामने वाला जो रिसीवर है उसे तमिल भी आती है, उसे हिंदी भी आती है, उसे इंग्लिश भी आती है, तो वो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको डीकोड करेगा। डीकोड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स सेंडर को करेगा, वो होता है फीडबैक। चौथे पॉइंट पे आएंगे जिसका जो है टाइप्स। कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो, ऐसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम मेनली इन 5 टाइप पे
गौर करेंगे। पहला है वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आएगा वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मान लो किसी क्लास के अंदर कोई लेक्चर मेथड चल रहा है, मतलब किसी कोई टीचर है वो क्लास लेके चला गया, उसको उसका फीडबैक नहीं मिला, किसी ने क्वेश्चंस नहीं किए, सिर्फ वो बोल के चला गया, तो वो हो जाएगा वन वे कम्युनिकेशन। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होती है, कोई भी फीडबैक नहीं होता है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर आप मान लो पढ़ाने जा रहे हो किसी क्लास के अंदर, आपने पढ़ाया, सामने वाले ने या स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्ड किया उस चीज़ का, रेस्पॉन्ड करके आपसे क्वेश्चंस किए, ठीक है, या फिर टीचर्स हैं वो आपस में किसी टॉपिक को लेके ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स आपस में किसी टॉपिक को लेके ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के ओपिनियंस ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन। तीसरा आएगा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो ये एक टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मैं बोलने के साथ साथ मैं लिख भी रही हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ, वो हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आएगा विजुअल। विजुअल के अंदर मैंने आपको किसी चार्ट के थ्रू समझाया या किसी डायग्राम्स के थ्रू समझाया या कोई पिक्टोग्राम के थ्रू या कोई ग्राफ बना दिया, कोई मैप बना दिया, उसके थ्रू मैंने अगर आपको समझा रही हूँ तो वो हो जाएगा विजुअल कम्युनिकेशन। इसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। पांचवा पॉइंट आता है, उस पर आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स में आ जाएगा, नॉर्मली बैरियर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, परसेप्शुअल, लेक्चर, बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सारों को डिफाइन नहीं करेंगे, कुछ एक को ही डिफाइन कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहला आएगा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के अंदर आएगा फियर, एंजाइटी एंड अग्रेशन। फियर, मान लो आज मैं क्लास लेने आई हूँ आपकी पहली, और मुझे क्या है कि पहली क्लास है तो थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, बहुत सी एंजाइटी हो रही है और अग्रेशन, या फिर ये हो गया कि किसी ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया या किसी बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे मुझे गुस्सा आ गया, तो ये हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। दूसरा आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आएगा डिफिकल्टी इन हियरिंग, विजन इश्यूज एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या आएगा, डिफिकल्टी ऑफ हियरिंग, अगर मुझे सुनने में दिक्कत आ रही है, मुझे देखने में दिक्कत आ रही है या मुझे समझने में दिक्कत आ रही है किसी चीज़ को, मान लो कि हमने कॉल किया या हमने किसी चीज़ को समझा या हमने वीडियो कॉल की तो हमें सामने वाले की आवाज़ समझ नहीं आ रही, हमें सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा या हम जो वो बोलना चाह रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो हो जाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा आएगा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा नॉइज़ एंड कंजेशन। बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने सिर्फ दो लिए हैं, नॉइज़ और कंजेशन। नॉइज़, हम मान लो किसी से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और बीच में जोर जोर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या कंजेशन ऐसे हो गया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं और हम कुछ भी बोल रहे हैं और सामने वाले तक वो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो वो हो जाएगा फिजिकल बैरियर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कैसा लगा ज़रूर